आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लाता हूँ, ठीक उसी तरह आज फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। देखिए, आज जो मेरा नया आइडिया है वो वाटर एटीएम मशीन पर है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है नल जो है वो लगभग खत्म हो रहे हैं सड़क के किनारे, जहाँ से लोग निकलते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं। जबकि अगर आज से 10 साल पीछे जाए तब जो है बहुत सारे नल हुआ करते थे, हैंडपम्प हुआ करते थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन पर दिन वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है, तो नल कामयाब नहीं रह गए हैं, इसलिए नल लगवाए भी नहीं जा रहे हैं। और जो सरकारी हैंडपम्प लगे हुए हैं वो सरकारी हैंडपम्प जो है बहुत टाइट चलते हैं, वहां से पानी जो है खींचना मुश्किल होता है, चलाना मुश्किल होता है, इसलिए वो और वो जल्दी से खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, और जो छोटे हैंडपम्प थे वो तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए लोग लगवाते भी नहीं है। तो सड़कों के किनारे जहाँ पर जो चौराहे हैं, जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पानी की काफी दिक्कत रहती है। तो अब भारत में अब जैसे कि 50%, जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस है वहां पर जो भी पब्लिक खड़ी हुई है वो 50% जो है पानी तो अपना खरीद के पी लेती है। 50% लोग जो है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो इधर उधर नल की तरफ देखते हैं कि कहीं कोई नल मिल जाए, वहां से पानी भर लें या पी लें। तो अगर उनको जो है हम सर्विसेज देना चाहें तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। ठीक है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं 20-30 रुपए की बॉटल, ठीक है, और उसमें 20-30 रुपए की बॉटल आती है, उसमें पानी ही कितना आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये आइडिया लेकर आया हूँ कि अगर हम पब्लिक प्लेसेस पर, सड़कों के किनारे, जहाँ पर भी 2 या 3 रोड क्रॉस हुई हो, जैसे कोई चौराहा हो, तिराहा हो, ठीक है, कोई हॉस्पिटल हो, या कोई रोडवेज बस अड्डा है, या फिर कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, जैसे कि सचिवालय वगैरह है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, तो ऐसी जगह पर हम बाहर जो है वाटर एटीएम सिस्टम लगा सकते हैं। ये मार्केट में आ चुका है। ठीक है, तो वाटर एटीएम सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम 3 कैटेगरी जैसे रख सकते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर। ठीक है, दूसरी चीज, इसको हम ऑनलाइन पे सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एटीएम मशीन होती है उसमें मेनफ्रेम कंप्यूटर लगा होता है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन पे का सिस्टम भी रख सकते हैं, कैश का भी उसमें सिस्टम रख सकते हैं, और जो एटीएम कार्ड होता है, चिप कार्ड, उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के तीनों में मोड रखें, कैश पेमेंट भी रखें, ऑनलाइन स्कैन वाला जैसे कि पेटीएम वगैरह होता है, अमेजॉन पे है, गूगल पे है, ये भी हम रखें, बार कोड स्कैन करके आदमी पेमेंट कर सके, कैश से भी आदमी पेमेंट कर सके। ठीक है, और चिप कार्ड वाला सिस्टम भी रखे, और हो सके तो कॉइन ड्रॉपर भी रखे, उसमें कि कॉइन डाल के भी आदमी ले सके। ठीक है, तो इसमें हम सारी कैटेगरी रखे हैं कि अगर आदमी को 1 रुपए का भी पानी लेना चाहता है तो वो भी ले सके, अगर कोई 5 रुपए का लेना चाहे तो वो भी ले सके, 10 का लेना चाहे वो भी ले सके, 50 का लेना चाहे वो भी ले सके, 100 रुपए का लेना चाहे वो भी ले सके। ठीक है, तो हम पूरा सिस्टम रखें तो ये काफी कामयाब रहेगा। जैसे कि लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है, जो बॉटल नहीं खरीदना चाहते हैं 20-30-40-50 रुपए की, कहीं कहीं पर तो 50-60-70-80 रुपए की भी बिकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है जो व्यक्ति जितने रुपए का पानी जिस क्वांटिटी में लेना चाहे वो यहाँ पर ऑनलाइन पे या कैश से या चिप कार्ड से या क्वाइन ड्रॉप करके जो है वो ले सकता है। तो अगर हम ऐसी मशीन डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पर लगाते हैं तो ये काफी अच्छा स्टार्टअप रहेगा। ठीक है, और हम पहले एक मशीन लगा सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, इसको हम जो है यूज कर सकते हैं, और एकदम नए तरीके का, एकदम नया सा स्टार्टअप है। ठीक है, इस तरीके का स्टार्टअप अभी मार्केट में आया नहीं है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि ऐसी मशीन आज के हमने कहीं कहीं पर देखी हुई भी है। ठीक है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, इस मशीन का प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर लगी हुई भी है, लेकिन अगर कोई इस मशीन को पब्लिक प्लेसेस पर लगा करके अगर कोई इसका नेटवर्क बना ले पूरी इंडिया में तो ये बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा। ठीक है, और ये कभी फेल होने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा आज से 10 साल पहले वाटर लेवल कुछ और था, आज वाटर लेवल कुछ और है, और आज के 10 साल बाद वाटर लेवल कुछ और होगा, हैंडपंप एकदम से काम नहीं करेंगे,
जो गवर्नमेंट की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, जो शहरों में सप्लाई करती हैं, उनकी भी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, हम नंबर फर्स्ट क्वालिटी का जो है इससे पानी जो है लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस हम एटीएम के थ्रू भी पानी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपनी पाइपलाइन बिछा कर भी, जैसे कि नगर निगम नगर पालिका अपनी पाइपलाइन से पानी जो है सप्लाई करता है, तो इसके साथ में हम प्राइवेट पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं और उस पाइपलाइन से भी हम गांवों को शहरों को जो है पानी सप्लाई कर सकते हैं, और जितना गवर्नमेंट चार्ज करते हैं हम उससे कहीं ज्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टार्टअप रहेगा इसको हम, एक तो ये स्टार्टअप है, दूसरा अगर हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हमारी वाटर लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा, आप इस पर जो है सोचिएगा और ये बहुत अच्छा रहेगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कभी फेल नहीं होगा इस तरीके का बिजनेस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें हो सकता है कि टैक्सेस से भी बचत हो, क्योंकि जो पैक्ड बॉटल होती है उसमें टैक्स देना होता है हर पर बॉटल पर, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो शायद सेल टैक्स ना पड़े, हो सकता है इनकम टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो सेल टैक्स होता है वो बच जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि ये कोई पैक्ड तो सिस्टम है नहीं इस पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, और फिर से मैं आपके लिए एक नया आइडिया लेकर आऊंगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।